अरे अब आया वक्त कुछ करने का। एक, अरे दो, तीन। लल्लू बेटे जरा वो कुर्सी और बोतल पकड़ाना। लाओ कैलाशनाथ भैया, जरा हटके, जरा हटके। सुनो सुनो, क्या कर रहे हो तुम? अरे जब आउट हुए हैं तो जरा ढंग से आउट होना भाई। थैंक यू फॉर चेयर। फिल्म शोले, धर्मेंद्र, शराबी सीन। मासी जी, मासी जी, और तुसी ग्रेट हो धर्म पाजी। अरे गांव वालो, अरे गांव वालो, ये जो बसंती है ना, बसंती, इससे मेरा लगन होने वाला था, मगर ये बूढ़ी मासी। मैंने क्या किया यार? गांव वालो, अगर मेरा लगन नहीं हुआ तो फिर सुसाइड, और फिर आप सब लोग जेल में चक्की पीसिंग, पीसिंग। मैं तैयार हूँ मेरे बाप, नीचे आ जा। नीचे आ जाओ, गांव वालो, मौसी भी तैयार और मेरी बसंती भी तैयार, इसलिए इसलिए मरना कैंसर। कम इन सन। That's okay. बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा, आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। You mean शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब वक्त आ गया कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है, पूनम नाम है उसका। पूनम के मां बाप तो नहीं है लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो। वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हां हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा, तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा, अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया, फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों, पर बेटा तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी, क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा, वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं।
प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है, ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो योर काइंड ऑफ पैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो, देखो अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, और फिर डिसीजन लो। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। ये देखो आपकी बेटी का ही नहीं कृष्णकांत जी, हमारी बहू का भी है। कुछ ही देर में दिल्ली के टॉप सर्जन यहां पहुंच रहे हैं। अब पूनम के ठीक होने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए बैठिए। सुनील पापा, पापा सीट से एक बार मिल लेते हैं। अब एक मिनट चाचा जी, चाय नहीं बेटा, आधी आधी पियेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं कृष्णकांत जी, वो कर रहा है ना हमारी चिंता। लीजिए चाय पीजिए। अरे लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, कंग्रेचुलेशंस। डॉक्टर अविश्य, ऑपरेशन सफल रहा। 48 घंटों बाद जब पट्टियां खुलेंगी तब एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन यह शुरुआती जंग हमने जीत ली है प्रेम। लेकिन पूनम को कम से कम एक डेढ़ महीने के लिए यहीं रहना होगा। डॉक्टर साहब, उसके बाद पूनम घर जा सकती है? जरूर। तो ठीक है, तब तक हमारी बहू आपके पास है कृष्णकांत जी। उसके बाद बारात लेकर आएंगे आपके द्वार पर। इनसे बहुत खातिर कराना बाकी है, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल समधी जी। आप अंदर आए कैसे? गार्ड, गार्ड, सुनिए, पता नहीं आपको ये सेशन चल रहा है। I don't care. आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। I know. आपने परमिशन लिया है? चल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट है? कहाँ जा रहे हैं आप? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया? अगर इस समय तो ऐसे नहीं आता। हटिए, चलिए चलिए। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू की दर्द मैंने भी ला दी गई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे? ये मेरा इनाम, शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिर गिराना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। नो, आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस कंट्री नाउ। नो, आप लोग जाइए, सब बाद में करते हैं। Sit down, sir. No, thank you. आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है सर। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शशिकांत हूं सर। आपके 30 साल के करियर में शायद आपने एक ही स्टूडेंट को पीटा था, मुझे याद आया सर। जानते हैं आपने मुझे क्यों पीटा था? क्योंकि जब मैंने अपनी फीस के लिए किसी के पैसे चुराए थे और पकड़ा गया था, तब मैंने भी इसी तरह चीख चीख कर कहा था कि सर इन पैसों के बगैर देयर इज नो होप फॉर मी। और याद है आपने क्या कहा था? ऐसे अल्फाज फिर कभी मत इस्तेमाल करना। Isn't it ironical, sir, कि आज आप वही बात खुद कह रहे हैं?
मुझे पता है कि हालात ठीक नहीं है, हमारा सारा सिस्टम सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि देयर इज होप, उम्मीद है सर, है। आप मुझे बताइए बात क्या है। गेट मी द नारी निकेतन रिमांड होम, द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड गजानन चित्रे, आई एम होल्डिंग ऑन। आप चलिए सर, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी दी हुई शिक्षा सफल होगी बेटे।